नमस्कार दोस्तों, अमेजिंग एंटरटेनमेंट पर एक बार फिर से स्वागत है। तो जय हिंद जय भारत। मैं मदनलाल आजाद, संस्थापक संयोजक ठगी पीढ़ी जमाकर्ता परिवार और ऑल इंडिया बाइक बोर्ड टैक्सी यूनियन। आज दिनांक 31 जनवरी 2024 को आपके समक्ष प्रस्तुत हूं अपने साथियों के साथ दिल्ली से एक बड़ी खुशखबरी आप सबको बताने के लिए। तो स्वागत है आप सबका आज के इस एपिसोड में। हमेशा की तरह मेरे साथ हैं हमारे उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष आदरणीय शिवशंकर द्विवेदी साहब। जय हिंद साथियों। और हमारे राष्ट्रीय महामंत्री आदरणीय सुनील शुक्ला साहब। और हमारे चिरपरिचित संगठन के मध्य भारत के प्रभारी आदरणीय अशोक जी मुदगल साहब। चारों साथी बैठे हुए हैं आज। तो चलो, हमारा कंप्यूटर प्रिंटर भी दिख रहा है, कभी कभी उसका इस्तेमाल भी कर लेते हैं दोस्तों। और बैठे हुए हैं हम अपने केंद्रीय कार्यालय में। इस समय अभी अभी आए हैं कई बड़े स्थानों से आपके भुगतान के संदर्भ में बैठकें करके, क्योंकि कल का कार्यक्रम इतना जबरदस्त रहा है जिसने देश के 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को संजीवनी देने का काम किया है, संजीवनी दी है और एक साहस और उम्मीद पैदा हुई है कि अब देश के तमाम ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवारों का भुगतान माननीय प्रधानमंत्री, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री, ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जिन्होंने इतिहास में पुराने तमाम इतिहासों को ध्वस्त करते हुए दुनिया में एक नया इतिहास रचा है गारंटी देने के नाम, उन्होंने भुगतान की गारंटी का अधिकार देश के समस्त 42 करोड़ ठगी पीड़ितों को दे दिया है। सहारा का विषय भी उठा दोस्तों, तो सहारा के पीड़ितों का भुगतान भी अब अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ही होगा। अब ये जो CRC पोर्टल बनाया था उसको भंग किया जाएगा। सेबी सहारा और PACL पल्स, सेबी का जो रिफंड पोर्टल था वो, आदर्श का लिक्विडेटर और जो इस तरह की व्यवस्थाएं सरकार ने पहले कर दी थी अपने विवेकाधिकार का इस्तेमाल करते हुए, उन सब को खत्म करके भुगतान की गारंटी के अधिकार अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 के अंतर्गत ही अब सबका भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। और जैसा कि आप सबको पता है, हमारे कल के वीडियोस आप देख सकते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के ट्विटर हैंडल पर जाकर के देख सकते हैं, फेसबुक आईडी उनके जो पेज हैं उन पर जाकर के देख सकते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के वरिष्ठ विचारक, चिंतक, कर्मठ, महान योगी और राज्यसभा के सांसद प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब ने कल बतौर प्रधानमंत्री के प्रतिनिधि हमारे कार्यक्रम में आकर ज्ञापन रिसीव किया, सबको आश्वस्त किया कि मोदी जी ने जो गारंटी दी है हमारे यशस्वी और ऐतिहासिक प्रधानमंत्री जी ने, उनकी प्रत्येक गारंटी को पूरा करने का संकल्प हम लेते हैं, हमारी पूरी पार्टी लेती है, सरकार लेती है और हम अनियमित जमा योजनाएं पाबंदी कानून 2019 का अक्षर से पालन पूरे देश भर में करवाएंगे, सबका भुगतान करेंगे। दोस्तों, एक बड़ी बात रही हमारे जितने भी, मैं अपने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार की बात नहीं कह रहा हूँ कि साहब केवल हमने ही आंदोलन किए, हमसे पहले भी बहुत लोगों ने आंदोलन किए। सबका प्रयास यही रहा कि कोई सरकार या सरकार का प्रतिनिधि या कोई पॉलिटिकल पार्टी देश के ठगी पीड़ितों के भुगतान की पीड़ा को अपना विषय बनाए, इस पर मुंह खोले बोले। लेकिन दोस्तों, चाहे कांग्रेस रही हो, समाजवादी पार्टी रही हो, आम आदमी पार्टी रही हो, CPI CPM रही हो, ममता बनर्जी की TMC रही हो, या बहुजन समाज पार्टी रही हो, RJD या JDU रहा हो, या दूसरी पार्टियां कोई भी, किसी ने कभी ठगों के खिलाफ बोलने का साहस नहीं किया कि कोई एक ट्वीट तक ठगों के खिलाफ कर सके। भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी बनी देश की जिसने इतिहास रच दिया आजाद भारत के इतिहास में, कि उसने न केवल
ठगी पीड़ितों को भुगतान की गारंटी का अधिकार दिया कानून बनाकर, बल्कि देश के हजारों ठगों को जेल भेजा, उनकी लाखों करोड़ की प्रॉपर्टीज को सीज करवाया और भुगतान की गारंटी का अधिकार देकर देश के तमाम ठगी पीड़ितों को उनका जमा राशि का 2 से 3 गुना भुगतान 180 दिन में व्हाट्स एक्ट 2019 के अंतर्गत सुनिश्चित किया। कल आपने देखा होगा लोग मेरी बातों को मजाक समझते थे, उपहास समझते थे या ये सोचते थे कि साहब मैं शायद अपने सब्सक्राइबर बढ़ाने के लिए या संगठन को मजबूत करने के लिए या चंदे का धंधा करने के लिए इस तरह की बातें करता हूं। लेकिन मैं जो भी बोलता था वही बातें कल प्रोफेसर राकेश सिन्हा साहब ने ठगी पीड़ित जमाकर्ता परिवार के मंच से दोहराई और उन्होंने मीडिया ने ये बात स्वीकार की कि भाई बड़ा कार्यक्रम था दोस्तों, गुजरात से, उड़ीसा से, वेस्ट बंगाल से, पंजाब से, हिमाचल से, उत्तराखंड से, बिहार से, झारखंड से, छत्तीसगढ़ से, मध्य प्रदेश से, राजस्थान से और पता नहीं कितने ही राज्यों से दूर दूर से ठगी पीड़ितों का जमावड़ा कल भारतीय जनता पार्टी के दिल्ली कार्यालय में लगा था और मोदी की गारंटी का जो बैनर वहां लगा था दोस्तों आपने देखा होगा कितना जबरदस्त अद्भुत आलम था और उस नजारे को देख करके प्रत्येक व्यक्ति की आत्मा तृप्त हो रही थी, गदगद हो रही थी। और जो पार्टी ने आश्वासन दिया, सांसद जी ने जो आश्वासन दिया, वहां सरकारी अधिकारियों ने जो कॉपरेशन दिया वो अद्भुत था, अतुलनीय था दोस्तों। तमाम संगठनों के लोग आंदोलन करते रहे लेकिन उनको बैरिकेड से आगे नहीं बढ़ने दिया जाता था, गिरफ्तार कर लिया जाता था, कूट भी दिया जाता था, कई बार आपने देखा होगा मुकदमे बना दिए जाते थे। सरकार का एक छोटा सा कर्मचारी भी किसी आंदोलनकारी से बात करने को तैयार नहीं होता था, लेकिन चूंकि नकली आंदोलनकारी थे और नकली आंदोलनकारियों को कोई एविडेंस तो किसी को दिखाना नहीं होता, उन्हें तो डरे डराए भ्रमित लोगों का केवल शोषण करना होता है, उनसे चंदे का वसूली करने होती है, अपना परिवार पालना होता है सुअरों की तरह, और तो कुछ करना नहीं होता इनको। तो इनकी जानवर प्रवृत्तियों के कारण भी सरकार ने आज तक इनसे बात नहीं की, चूंकि सरकार को पता था कि ये सारे संगठन ठगों द्वारा संचालित हैं, ठगों के संगठन हैं, ये भुगतान की लड़ाई नहीं लड़ रहे, केवल अपने पेट पालने के लिए सुअरों की तरह और जानवरों की तरह, कीड़े मकोड़ों की तरह ये इस तरह के फेक आंदोलन चलाते हैं, इसलिए सरकार ने इनको कभी कोई तवज्जो नहीं दी। लेकिन दोस्तों हमारे संगठन ने, हमारे साथियों ने जो त्याग किया, जो संघर्ष किया, जो बलिदान किया ईमानदारी के साथ, पूरे समर्पण के साथ, उसका परिणाम कल हमें मिला और बड़ा सुखद रहा कि खुद सत्तारूढ़ दल ने अपने कार्यालय के अंदर हमारे आयोजन को कराया और खुद सत्तारूढ़ दल ने हमारी मांग को स्वीकार करते हुए देश की जनता को उनके भुगतान की गारंटी सुनिश्चित करने का वायदा किया, घोषणा की। आप देखिए कल के तमाम लोग कह रहे हैं कि साहब कुछ नहीं था, कुछ नहीं था। आप देखिए, गंभीरता से देखिए, गौर से देखिए और ये कल वाला देख लेना आप, कल क्या होना है 1 फरवरी को, कैसे जो है पिटेंगे, जूते पड़ेंगे और मुकदमे भी बनेंगे, जब अगर जरा सी भी चूं कर दी, हरकत भी कर दी तो। उनका भी देख लेना वो कौन सा ठगों ने एक नया और मोर्चा बना दिया है, जो ये कहते हैं कि मंजूरी नहीं मिली है। अरे MS उसकी MC की औलादो, राम खोरो सालो, ये केंद्रीय कानून है, संसद ने बनाया है, किसी राज्य की हिम्मत नहीं जो इसकी अवहेलना कर दे, उस राज्य के खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। राज्यों की नियमावली, राज्यों को कोई नियमावली बना करके केंद्र की मंजूरी के लिए नहीं भेजनी है। अनपढ़ गंवार साले गधे, आपको बहका लेते हैं, बड़ा दुख होता है, मुझे क्रोध भी आता है कि आप ऐसे सुअरों की बातों से भ्रमित हो जाते हो, जो लिफाफे पर पता नहीं लिख सकते, जो अखबार ठीक से नहीं पढ़ सकते, जो एक चिट्ठी नहीं लिख सकते, वो आपको भ्रमित कर लेते हैं, बहका लेते हैं। कौन सी नियमावली राज्य बना करके, कौन सी धारा में लिखा है व्हाट्स एक्ट की में कि राज्य नियमावली बनाएगा और केंद्र के लिए मंजूरी के लिए भेजेगा, हमें बताओ भाई कौन सी धारा में लिखा है, हम भी मान लेंगे। आप ऐसे अनपढ़ गंवार लंपट ठग जो आपके चंदे पर जीवन चला रहे हैं, परिवार पालते हैं, उनकी बातों में आ जाते हो, दोस्तों अपने ध्यान को केंद्रित करो, अपने अंदर के इंसान को जगाओ, अपने खोए हुए साहस को वापस लाओ और थूक दो इनके मुंह पर, इनका बहिष्कार करो गद्दारों का। और आपका पैसा, सबका
आपके नजदीकी सक्षम अधिकारी के यहाँ रखा हुआ है, ले लो जिनको चाहिए, आवेदन करो, मिलेगा पैसा, सबका मिल रहा है, इतनी सारी जगह जब भुगतान आरंभ हो गया है तो आपका क्यों नहीं मिलेगा। जिन जिनको अपना पैसा वापस चाहिए वो निवेशक स्वयं जाकर अपने नजदीकी सक्षम और सहायक सक्षम अधिकारी के यहाँ आवेदन करें, और अगर 180 दिन में उनकी जमा राशि का 2 से 3 गुना पैसा उनको वापस नहीं मिला है तो अपने सक्षम अधिकारी के खिलाफ अपील में जाएं स्वयं। ये काम कोई मदनलाल आजाद नहीं कर सकता, ये स्वयं निवेशक को करना होगा, और जब तक नहीं करोगे पैसा नहीं मिलेगा। तो हम साथी अपने फर्ज का निर्वहन करें, जो कानून ने आपको अधिकार दिया है उस अधिकार का इस्तेमाल करें, अपना डूबा हुआ जमा राशि जल्दी से जल्दी प्राप्त करें। मिलता हूं कल दोस्तों फेसबुक पर लाइव होकर, 2 घंटे तक आपके सवालों का जवाब दूंगा, शाम 8 बजे से लेकर रात्रि 10 बजे तक। लेकिन कल आज बहुत हम थक गए हैं, चूंकि कई दिनों से लगे हुए थे इस कार्यक्रम में, और अभी तमाम राज्यों के साथी यहाँ आए हुए थे, उनको विदा किया है, तांता लगा रहा है, अभी वहाँ भाजपा के कार्यालय में भी तांता लगा हुआ है ठगी पीड़ितों का ही, और जो सरकारी दफ्तर हैं इससे रिलेटेड हमारे व्हाट्सएप 019 की जो अथॉरिटी है केंद्र की, वहाँ तक लोगों का लाइनें लगी हुई हैं दोस्तों। और अब धड़ाधड़ ताबड़तोड़ इस एक्ट के क्रियान्वयन पर, आपके भुगतान पर कार्रवाई आरंभ हो गई है। मिलते हैं कल रात को 8 से 10 बजे तक फेसबुक लाइव पर। मदनलाल आजाद के नाम से मेरी आईडी है, उसको फॉलो कर लेना, कल वहीं जुड़ना। युगांतर न्यूज के नाम से हमारा ट्विटर हैंडल है, उस पर भी आज बहुत सारी इन्फॉर्मेशन हैं, वहां भी जाकर के देख लें, उसको भी फॉलो कर लें। और हमारी जो साइट है tapjab.in, वहां भी बहुत सारी सूचनाएं हम उपलब्ध करा रहे हैं, वहां भी जाकर के आप कभी कभी देख लिया करें। जय हिंद, जय भारत।